23 मार्च आज है शहीद दिवस, जिसको कि मार्टर्स डे भी कहते हैं। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जैसे हमारे तीन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स, इनको फांसी दे दी जाती है और आज के दिन को हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज हम बात करने वाले हमारी वीडियो में शहीद दिवस के बारे में ही और भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु के बारे में। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है 23 मार्च, जिसको कि हम मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम सर्वोदय डे के नाम से भी जानते हैं हमारे इंडिया में। अगर बात की जाए मार्टियर्स डे की, तो हमारे इंडिया में टोटल 7 मार्टियर्स डे मनाए जाते हैं और 2 दिन ऐसे हैं इनमें से जिनको कि हम शहीद दिवस के तौर पर याद रखते हैं। कौन कौन से हैं वो दिन? एक तो है 30 जनवरी, जिस दिन गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, और दूसरा है 23 मार्च, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दी जाती है। ये दिन भी क्या है, हम शहीद दिवस और मार्टियर्स डे के तौर पर मनाते हैं, ठीक है, याद रखते हैं। अब बात करते हैं भगत सिंह की। तो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था और उनको 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि पहले ये फांसी उनको 24 मार्च को दी जानी थी, बट उनको छुपचाप उनको रात को 23 तारीख को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह को हम शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं और वो एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन था किसमें, दैट मीन्स कि उन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी किसकी, एक तो नौजवान भारत सभा, जिसको हम NBS कहते हैं, 1926 में उन्होंने, मार्च 1926 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे भी लिखा था, YIM an atheist, ठीक है, ये उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में 1930 में ही जब वो थे तब उन्होंने ये ऐसे लिखा था। इसके अलावा वो एक्टिव मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के भी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं किसकी, सुखदेव की। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ था और इनकी भी डेथ 23 मार्च 1931 को इनको भी लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के साथ ही फांसी दी जाती है। इनका जन्म लुधियाना, पंजाब, इंडिया में हुआ था और ये भी क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आपका जो है नौजवान भारत सभा जो है, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन दोनों की जो उम्र है वो थी कब, उस टाइम पीरियड में जब इनको फांसी दी गई थी, 23 साल, बट जो नेक्स्ट वन है, दैट मींस कि राजगुरु, उनकी उम्र थी मात्र 22 साल। इन तीनों को ही बहुत कम उम्र में फांसी दे दी जाती है। अगर मैं शिवराम राजगुरु की बात करूं, यस, इनका पूरा नाम है शिवराम राजगुरु। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 खेड़, दैट मींस कि पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में इनका जन्म हुआ था और इनको भी 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है और ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर थे। बट अब बात आती है कि इनको फांसी दी क्यों गई थी, ऐसा क्या कारण था। इनको फांसी देने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने क्या किया था, असैसिनेशन किया था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे कौन, JP सॉन्डर्स, उनकी हत्या की थी इन तीनों ने, ऐसा कहा जाता है, कब, 17 दिसंबर 1928 को। क्यों की थी, क्योंकि जो JP सॉन्डर्स थे ना, इनको लगता था कि ये उस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाला लाजपत राय की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एक्चुअली हुआ क्या था, जब लाहौर में जब आपका साइमन कमीशन आया था, तो उस टाइम पर प्रोटेस्ट करने में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया जाता था। वैसे तो पूरी भीड़ पर करवाया था, बट लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय को काफ़ी चोटें आई और ये लाठी चार्ज करवाया था जेम्स ए स्कॉट ने, एक ब्रिटिश ऑफिसर से उन्होंने करवाया था। तो इन तीनों ने उनसे बदला लेने के लिए क्या है, बाय मिस्टेक इसको JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। तो इस वजह से क्या है, इन तीनों को ये फांसी दी जाती है। इसके अलावा इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब भी फेंका था और इसी के साथ नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा नारा लगाया था, तो कौन सा था, इनकलाब जिंदाबाद का, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये नारा इन्होंने दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट, अगर मैं बात करूं जो सुखदेव हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट एक लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में भी था, जो 1929 का लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस था ना, ठीक है, वो क्या है, वो भी मैंने अपनी एक वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है, तो उसमें भी सुखदेव का इन्वॉल्वमेंट था और इसी वजह से इनको क्या है, लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु एंड भगत सिंह तीनों को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी। अब इस बात कर लेते हैं एट प्रेजेंट की, तो जो इस टाइम पीरियड पे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, CM जो हैं भगवत मान, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि आज के दिन क्या है, पंजाब में छुट्टी रखी जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, पंजाब के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग, जो भगत सिंह का जो घर है ना, उनका जो विलेज है खत्तर कला, वहाँ पर जाकर उनको एक तरीके से
श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने क्या कहा है कि जो पंजाब के जो लोग हैं कैन पे देयर ट्रिब्यूट्स टू शहीद भगत सिंह बाय विजिटिंग विलेज टू खट्टर कला। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो उनके बारे में हमने आज अपनी वीडियो में जानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।